क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई, इसके अंदर चौकनी आएगी तो कैसे जाएगा? पहले इसके अंदर इतने सात पैसे डाले हुए, वैसे ये पैसे किसके हैं? क्या हो गया नुसैब आपको? जब गुल्लक मेरा है तो पैसे भी मेरे होंगे ना? अल्लाह, ये इतने सारे पैसे आपके हैं? जी बिल्कुल, ये सारे पैसे मेरे ही हैं। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? जमा किए हैं मेरे। वाह भाई, आपने तो इतने सारे पैसे जमा कर लिए। मेरे पैसों पर नजर तो ना लगाए। अरे मैं नजर तो नहीं लगा रही हूँ, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं इतनी मजे मजे की चीजें खाती। आप क्या करेंगे इतने पैसों का? पता नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं है। मैं भी अपने पापा से कहकर ऐसा ही कल्लक मंगाऊंगी और इसमें आपकी तरह पैसे जमा करूंगी। वैसे ये गाड़ी चल क्यों नहीं रही? इस टीले से पैसे निकालना आसान हो जाएगा। किराए क्या कर रहे हैं आप ही? आपने मुझे इतने बुरी तरीके से डरा दिया। सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये आप क्या कर रही हैं? मैंने गुल्लक में जो पैसे जमा किए हैं वो निकाल रही हूँ। देखे ना, कितने सारे पैसे जमा कर लिए हैं मैंने। तो बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। जी बहुत सारे ही है, और ये सब मैंने खुद जमा किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इन पैसों का आप क्या करेंगी? पता नहीं, आप बताए ना क्या करूं? अभी तो आप सोने की तैयारी करें, सुबह जल्दी उठना है ना? और आपने खाना खाकर बर्तन वही टेबल पर छोड़ दिए, वो उठाकर किचन में रखें जल्दी। जी रखती हूँ। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। छोटी मुंह से बात बड़ी, ये अक्सर कर जाती है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है। बहुत अच्छी बात है। में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज फातिमा। अरे मेरा गुल्लक! आप ही कौवा मेरा गुल्लक ले गया। रुको रुको, अल्लाह मेरा गुल्लक! मेरा गुल्लक कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कनीज फातिमा, अच्छी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अभी पता नहीं, मेरा गुल्लक नहीं मिल रहा। वो तो मिल जाएगा, लेकिन ये बताए कि आपने सो कर उठने की दुआ पढ़ी? सॉरी आप ही, मैं टेंशन में भूल गई। मेरा गुल्लक नहीं मिल रहा। गुल्लक आपका कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको सो कर उठने की दुआ नहीं भूलनी चाहिए थी। चलें पहले सो कर उठने की दुआ पढ़ें और कलमा भी पढ़ें। जी आप ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। पढ़ ली, अब बताएं मेरा गुल्लक कहाँ है? मुझे क्या पता इकरा, आपने सोने से पहले कहाँ रखा था? आप ही, याद नहीं आ रहा, शायद यहीं रखा था। चले स्कूल से आकर ढूंढ लीजिएगा, अभी स्कूल के लिए देर हो रही है, फटाफट तैयार हो जाए। लेकिन आप ही, इकरा जल्दी कीजिए, आपको पता है ना फिर मम्मा नाराज हो जाती हैं। लेकिन आप ही, मेरा गुल्लक नहीं मिल रहा। अच्छा आप स्कूल के लिए तैयार तो हो, मैं आपका गुल्लक ढूंढ के रखती हूँ, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपका गुल्लक। और अगर नहीं मिला तो? मैंने कहा ना मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप बस दुरूद शरीफ का वर्द करती रहिएगा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ लें। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपका गुल्लक जरूर मिल जाएगा। आप फटाफट तैयार हो जाएं। देखिए शायद नुसैबा भी तैयार होकर आ गई होंगी। जी आप ही, देखती हूँ। सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बात बड़ी, ये अक्सर कर जाती है। हैं? कितनी अच्छी बच्ची है। बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत करता। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे किरा, आप अभी तक तैयार हुई नहीं? नहीं, वो मैं अपने गुल्लक ढूंढ रही थी। क्यों, क्या हुआ गुल्लक को? कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी ने चोरी कर लिया। वो
बहुत सारे पैसे थे ना उसमें, इसलिए। जी पैसे तो वाकई में बहुत सारे थे उसमें। कहीं आपने तो नहीं लिया मेरा गुल्लक? तो पर मैं आपका गुल्लक क्यों लूंगी? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। भाई मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। कल आप ही तो कह रही थी अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते तो मैं बहुत सारी चीजें खाऊंगी। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने आपका गुल्लक चोरी कर लिया है। एक तो मैं आपको स्कूल के लिए लेने आई हूँ, पर तो आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। चाहिए का आप अकेली नहीं लेके जा रही मैं आपको अपने साथ? कितनी बुरी बात है इकरा, आपने बिना देखे ही अपनी दोस्त पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। ये भी तो हो सकता है कि आप अपना गुल्लक घर में ही कहीं रख कर भूल गई हो। बहुत गलत बात है ये। चले अब जल्दी से तैयार हो जाए, पहले ही स्कूल के लिए काफी लेट हो गई हैं। कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। हैं, कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है। बात में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज फातिमा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या बात है इकरा, आज आप इतनी उदास क्यों हैं? मेरा गुल्लक। अरे आप ही कहाँ से मिला ये? अलमारी के नीचे वाले खाने में रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, वही तो रखा था, अभी याद आया। इसका मतलब आप खुद ही रख कर भूल गई थी और आपने नुसैदा के ऊपर बिला वजह इल्जाम लगा दिया था। गलती हो गई। आपको नुसैदा से माफी मांगनी चाहिए, बल्कि एक काम करें, उनके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट ले जाएं। गिफ्ट देना अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम की सुन्नत भी है। सही कह रही हैं आप ही। आप गिफ्ट देखकर तो नुसैबा खुश हो जाएंगी और हो सकता है वो मुझे माफ भी कर दे। मैं इन पैसे में से उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट ले लेती हूँ। नहीं करा, आप बाबा जान को बोल दीजिएगा, बाबा जान आपको नुसैबा के लिए गिफ्ट ला कर दे देंगे। अभी आप छोटी हैं इसलिए आप अभी अपनी कोई भी चीज किसी को नहीं दे सकती। ठीक है जी, ठीक है, मैं बाबा को बोल कर आती हूँ। तो ये उसे समझाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप ही आइए अंदर। ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था ना? सही कह रही हैं आप, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तो मैं आपसे सॉरी बोलने आई हूँ और आपके लिए ये गिफ्ट भी लाई हूँ। सॉरी निशा, मुझे माफ़ कर दिया, आप तो मेरी अच्छी दोस्त है ना। वो गुल्लक मिल गया क्या? जी मिल गया, मैं ही रखकर भूल गई थी और बिला वजह मैंने आप पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। किसी पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना बहुत बुरी बात है। अच्छा ना, सॉरी बोल तो रही हूँ, प्रॉमिस आइंदा ऐसा नहीं होगा। पैकिंग तो बहुत अच्छी की हुई है, क्या है इसमें? आप खुद ही खोल कर देख लें। जज़ाकिल्ला, यानी आपने मुझे माफ़ कर दिया? जी कर दिया, बस अब आइंदा ऐसे नहीं कीजिएगा। चलिए गिफ्ट खोल के देखते क्या लाई हैं आप। प्यारी बच्चों, हमें भी बिना वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मेरा गुल्लक पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी ने चोरी कर लिया। बहुत सारे पैसे थे ना उसमें, इसलिए। जब तक हमने किसी को अपनी आंखों से कोई काम करते हुए ना देखा हो तब तक उसके बारे में किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। तो बस मैं आपका गुल्लक क्यों लूंगी? आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। अल्लाह पाक हमें बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।